आजादी के सालों बाद भी मध्य प्रदेश के गांवों के हालात अब भी बेहद बदतर हैं। हालात ये हैं कि अव्यवस्थाओं से जूझते प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग जीते जी तो परेशान हो ही रहे हैं, मरने के बाद भी सुकून नहीं है। मानवीय संवेदनाओं को चोटिल करता ये मामला अशोकनगर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के टकनेरी गांव का है, जहां बुधवार रात आदिवासी समुदाय से जुड़े नन्नू लाल आदिवासी का निधन हो गया। नन्नू लाल के निधन के बाद उनके परिजन और अन्य ग्रामीणों ने जब गुरुवार को उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की तो उन्हें उबड़ खाबड़ रास्ते से अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। इतना ही नहीं, ग्रामीण करीब 2 किलोमीटर चलकर नन्नू लाल का अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो जो जगह ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए शासन द्वारा दी गई थी उस जगह पर किसी दबंग ने फसल की बुआई कर दी और सरपंच और सचिव की मिली भगत से एक नाले के पास ग्रामीणों के लिए शमशान घाट का निर्माण कराया जा रहा था, पर ग्रामीणों ने जो जगह उन्हें दी गई थी उसी जगह पर अंतिम संस्कार करने की बात कही। मामला तूल पकड़ते देख आनन-फानन में प्रशासन की पूरी मशीनरी घटनास्थल पर पहुंच गए। कलेक्टर मंजू शर्मा के आदेश से तहसीलदार इसरार खान ने तुरंत जमीन की नापती कराकर ग्रामीणों को उक्त जगह सौंपी, तब जाकर नंदलाल आदिवासी का अंतिम संस्कार करीब 5 घंटे बाद संपन्न हो पाया। क्या कुछ आपने? ठीक है, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम टकनेरी में एक आदिवासी युवक की मृत्यु हो गई है और जो अंतिम संस्कार के लिए जब लेके आए हैं तब यहाँ जगह को लेकर कोई विवाद की स्थिति है। मौके पे मैं पहुँचा हूँ, मेरे जानकारी में भी है कि लगभग 1 वर्ष पहले हम लोग जमीन 1 बीघा शमशान घाट के लिए चिन्हित करके दे चुके हैं। मौके पे मैंने भी ये पाया है कि जो चिन्हित करके जगह दी गई थी उससे भिन्न स्थान पर शमशान का निर्माण हो रहा था, तो लोगों की आपत्ति सही पाई गई। मौके पे वापस से हम लोग उपस्थित हैं तो सीओ साहब भी हैं, सीएमओ साहब भी हैं, हम उनके समक्ष ही सीओ साहब को पुनः नपती करके बता रहे हैं जो जगह हमने चिन्हित की थी और सीओ साहब से भी बात हुई है, वही स्थान पे शमशान घाट बनेगा। मैं क्या अभी नया नया आया हूँ, मेरे संज्ञान में अभी जो मेवक की मृत्यु हुई है उसके पश्चात आया है, तो मैंने मौके पर देखा है। पहले पंचायत द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था लेकिन वो भूमि विवाद होने के कारण अब पुनः आज तहसीलदार महोदय द्वारा जगह का चिन्हांकन किया गया है और 7 दिन के भीतर वो नई जगह पर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये मनरेगा काम रहता है तो अभी राशि का कोई देखने पता चलेगा, वो मनरेगा मास्टर से देखने पता चलेगा। तो सर नहीं, अभी रिलीज नहीं हुई है। मनरेगा से होता है तो मास्टर की राशि चली गई है, मटेरियल की राशि नहीं गई है। मास्टर की कितनी रहती है? मास्टर तो डेली वेजेज पर जो मजदूरी रहती है वो जाती है। साहब के अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो बरसात में भी या अदर और टाइम में कभी भी जलाने की यहाँ व्यवस्था नहीं है ठीक से, पहले नंबर तो। और यहाँ अपन ये खेत में जला देते थे तो दबंग लोग कुछ मतलब मार धाड़ करके लड़ाई धड़ाई करते थे और भगा देते थे, ये समस्या थी यहाँ। आज क्या हुआ? आज माननीय अपने तहसीलदार जी आए हैं और भी मतलब विधायक जी हैं, उनने ये समस्या की मतलब समाधान किया है, तो यहाँ JCB आई है, JCB यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। हाँ, निर्माण की उम्मीद लग रही है अभी। कितने सालों से निर्माण नहीं हुआ? निर्माण तो साहब अभी मेरी 32 साल उम्र है तो जब से देख आ रहा हूँ अभी तक मुक्ति धाम का कोई वो नहीं है नाम। बारिश में यही खेतों में या जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ मतलब चिन्हित जगह कोई सी नहीं है यहाँ पर। और जब उस टाइम बारिश हो रही होती है उस टाइम कैसे होता है? उस टाइम का बहुत 3 महीने ये नाला है, नाले में डाल के बहा देते हैं।